हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई किया है, उसके बाद हम आईब्रो को कर लेंगे जैसे फिल। तो अभी मैंने अपनी आईब्रो बनवाई नहीं है, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा और अच्छे से करना था ताकि आईब्रो बहुत अच्छी शेप में दिखे। तो अगर आप भी कहीं जा रहे हो, आपने आईब्रो नहीं बनवाई है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आता है गाइस। तो यहाँ पे अच्छे से फिल करने के बाद सुज ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने और उसे इस तरह से अप्लाई कर लिया है। आई लिप पर भी साथ साथ अप्लाई कर लिया है, इससे आई मेकअप बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह आपको ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, धीरे धीरे, बहुत आराम से। बहुत जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं दिखानी है, आराम आराम से आपको करना है। जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हो, तो आप देख सकते हो आईब्रो का शेप कितना अच्छा आया है, एकदम नेचुरल आया है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो और अच्छे से ब्लेंड कर लिया, लूज पाउडर से लॉक कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैलेट लिया है, इसमें से मैंने ऑरेंज कलर पिक किया था और उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद ये वाला कलर लिया क्योंकि उन्होंने इसी तरह का आई मेकअप किया हुआ था। उसके बाद इस तरह से आईलाइनर लगाएंगे, उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड आईलाइनर लगाया हुआ है, तो मैंने भी उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई किया है। और मैं आप लोगों के साथ ना इसमें एक हैक भी शेयर कर रही हूँ कि आपको अगर आईलाइनर लगाते नहीं बनता है तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर फिर लगाएंगे ना, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा और दोनों आँखों में सेम लगेगा। कई बार क्या होता है, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि एक आँख में तो वो लगा लेते हैं लेकिन दूसरी आँख में वो अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, तो ये हैक उनके लिए बहुत काम आने वाला है। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया और यहाँ पर लिया है मैंने प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्राइमर बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद लिया मैंने फिटमी का फाउंडेशन। गाइस, इस फाउंडेशन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको फाउंडेशन लेना है तो आप कौन सा फाउंडेशन है, तो आप फिटमी के तरफ जा सकते हैं, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। उसके बाद लिया है मैंने मैट लुक का ब्लश और इस तरह से अप्लाई करना है थोड़ा सा स्माइल करते हुए, तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। थोड़ा सा नोज़ में भी लगाया। उसके बाद लिया है सिवाना का हाइलाइटर, ये भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है सिज ब्यूटी का कंसीलर और इस तरह से अप्लाई किया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद लूज पाउडर लगाया है इस तरह से बहुत ही अच्छा शेप आता है। उसके बाद हुडा ब्यूटी की यहाँ पे मैंने लिपस्टिक ली है और इस तरह से अप्लाई कर लिया है। और इसके साथ भी मैंने एक हैक ट्राई किया था, वो आपको शॉर्ट वीडियो। गाइस, आपको ये लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।